गाइस, हाइब्रिडाइजेशन में हमने स्ट्रक्चर सारे देख लिए थे। हमने ये भी देख लिया था डी पाई पी पाई बॉन्ड्स कब बनते हैं, पी पाई पी पाई कब बनते हैं, या हाउ टू कैलकुलेट, राइट? तो मुझे बताओ SO42 माइनस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं पाई बॉन्ड, और कौन से हो डी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, बताओ बच्चों। इसके लिए स्ट्रक्चर बताओ ना, बहुत जरूरी है। गाइस, स्ट्रक्चर में क्या होता है SO42 माइनस? दिस इज द स्ट्रक्चर, हाँ है ना, जर्नल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, राइट और रॉन्ग गाइस, है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव। अब हम कहेंगे इससे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, छह, हाँ है ना बच्चों? पहले सल्फर का हमने नॉर्मल लिखा, दिस इज अ नॉर्मल स्टफ। हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए गाइस? सिक्स, हाँ है ना बच्चों? सिक्स बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है? इसको भेजा इधर, इसको भेजा इधर। अब हमारे चार सिग्मा बन रहे हैं, चार ऑक्सीजन के साथ दो पाई बन रहे हैं, तो हम कहेंगे बोथ द बॉन्ड्स आर डी पाई ऑफ सल्फर एंड पी पाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हुआ टू डी पाई पी पाई। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बोलो? क्लियर है गाइस? गुड। अगर मैं SO32 माइनस करता हूं, एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए गाइस। एक्चुअल स्ट्रक्चर पता लगाना कोई खास डिफिकल्ट भी नहीं है। हमें अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों? वी नीड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? फोर। गुड। अब फोर अनपेयर्ड चाहिए, तो ओनली दिस विल डू द जॉब। हम कहेंगे ये लोन पेयर आ गया, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, मतलब तुम्हारे इसमें जो टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग है दैट इज डी पाई ऑफ सल्फर एंड पी पाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब सपोजिंग मैं HNO3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहा हूं। दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी यूज्ड टू मेक, हाय ना, कोऑर्डिनेट को ट्रीटेड एज कोवेलेंट, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओगे बच्चों? आसानी से निकाल सकते हो, फटाफट बताओ, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड दैट गिव्स यू द हाइब्रिडाइजेशन। बताओ बच्चों, लोन पेयर कितने हैं? जीरो नाइट्रोजन के ऊपर, बोलो बच्चों। यस yes, तो जीरो लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? थ्री। फेयर नाउ, हाइब्रिडाइजेशन इज SP2 ट्रायगनल प्लेनर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। O3 देखो गाइस, ओ डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, हम कहेंगे कोऑर्डिनेट को क्या बना दो, कोवेलेंट। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बच्चों? कितने लोन पेयर है बताएगा कोई मुझे? टोटल छह होते हैं, छह में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया क्योंकि पॉजिटिव है, पांच, पांच में से तुम्हारे तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहे, तो बचे कितने? एक लोन, एक लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितने? दो। तीन, मतलब SP2 हाइब्रिडाइज। इसकी शेप क्या होगी बच्चों, बताओ मुझे? व्हाट द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? बेंट। करेक्ट, वी या बेंट या एंगुलर। गुड, दैट्स नाइस। I3 माइनस बताओ बच्चों, हाउ डू यू कैलकुलेट इट? आई है, आई है, आई माइनस है, ठीक है बच्चों? सो इफ यू ट्राई टू मेक इट लाइक दिस, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यहां पे नेगेटिव। समझ आ रहे, नहीं आ रहे गाइस? बोलो, दिस इज व्हाट यू हैव, फाइन? बच्चे बोल ही नहीं रहे। बताओ इस सेंट्रल आयोडीन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, बताओ गाइस? कितने सिग्मा बॉन्ड? दो। और कितने लोन पेयर? टोटल आई माइनस का मतलब हो गया इट हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने लोन पेयर? 3। वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP3D। मुझे बताओगे SP3D का वो क्या होता था? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल,
हाँ है ना। तो व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट, बताओ बच्चों। लीनियर। लीनियर, जीरो डायपोल मोमेंट। आई एफ फोर माइनस, कितने सिग्मा बॉन्ड बच्चों अच्छा लोन पे है? दो। ये दो लोन पेयर हो गए, ये फ्लोरीन हो गए। स्क्वायर प्लेनर, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। लेट अस टेक सम स्पेशल केसेस, NSIS3 थ्राइस एंड NCSC थ्राइस। बच्चों NCSC थ्राइस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताएगा कोई मुझे? यू कैन अंडरस्टैंड इट इज दिस टाइप, CH3 CH3 CH3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बताओ? तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, ऑब्वियसली SP3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ है ना। अब इस वाले में स्पेशल केस कुछ किसी को याद है क्या होता था? नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो सिलिकॉन की डी में फेंक देता है, दिस इज व्हाट यू गेट। और इन सिंपल टर्म्स अगर तुम डबल बॉन्ड बनाते हो प्लस माइनस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर हियर? तीन सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर। हाँ है ना। SP2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, परफेक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों बताओ मुझे? यस गुड, दैट्स नाइस। बच्चों तुम्हें याद होगा कि हमारा ये हो गया, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। हाँ ना बच्चों, दिस इज योर बैक बॉन्डिंग। फाइन गुड। BF3 में भी बैक बॉन्डिंग होती है, कैसे? कहेंगे ये है। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तीन, तीन और मिल गए छह हो गए, स्टिल इट इज टू इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देता है। सो व्हाट यू हैव इज काइंड ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट तो इससे क्या होता है, BF की बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस या बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। फाइन। एक चीज और बच्चों, BF3 में ऐसे नहीं कहेंगे कि एक का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया दो का नॉर्मल रहा, हम कहेंगे तीनों की बराबर कैपेसिटी है डोनेट करने की। तो हम कहेंगे इन जनरल बॉन्ड लेंथ तीनों की डिक्रीज हो गई, मतलब BF बॉन्ड लेंथ इज सेम इन दिस केस, BF बॉन्ड लेंथ इज सेम तीनों की। समझे या नहीं समझे बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है ना? राइट। अच्छा बच्चों ये जो बैक बॉन्डिंग हम देख रहे हैं, हमने दो में बैक बॉन्डिंग देखी, NSIS3 थ्राइस और BF3 में। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज गाइस कि बैक बॉन्डिंग तुम्हारा BF3 BCl3 BBr3 इन सब में से सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किस में होगी? हम कहेंगे व्हाट वी नीड इज जो तुम्हारा डोनर एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है गाइस? यस। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तभी वो आगे डोनेट कर पाएगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो लेने वाला है वो तो हर एक में बोरॉन है, डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसपे। तो फ्लोरीन के केस में बैक बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है या नहीं? यस गुड। तो डोनेट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो दिस इज द बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ओके गाइस,
अब हम क्या कहेंगे, काम की चीज, यानी सारे के सारे लुईस एसिड है, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सबसे घटिया लुईस एसिड कौन होगा इन सब में, इन चारों में से सबसे घटिया लुईस एसिड इज गोइंग टू बी द वन जिसमें तुम्हारा बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा पहुंच गए हैं थ्रू बैक बॉन्ड, तो बताओ मुझे, BF3, गुड। अगर लुईस एसिड स्ट्रेंथ देखेंगे तो BF3 सबसे कम होगा, BI3 सबसे ज्यादा होगा, BI3 देयर इज अ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा फ्लोरीन से ही मिल गए बैक बॉन्डिंग के थ्रू, BI3 में उसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मिले थ्रू बैक बॉन्ड। एक और चीज, CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। बच्चों हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, ये है, दिस इज अ जर्नल स्ट्रक्चर, यहां पे XXX मान लो कन्वीनियंस के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी होनी चाहिए बताओ मुझे, हम कहेंगे जो ज्यादा पुल करेगा वो बेटर एसिड होना चाहिए, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? यस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होना चाहिए, CHF3, करेक्ट? यस। बट द ऑर्डर गोज लाइक दिस, 2, 3, 4, CHF3 इज द वर्स्ट एसिड, एंड व्हाई इज दैट, हम कहेंगे सी इनमें हर एक में से हाइड्रोजन निकाल के बाहर फेंक दो। अब देखो बेटा कार्बन भी नेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल, हाँ है ना, बोलो गाइस, अगर कार्बन का ये जो पेयर आ रहा है उसके पास नेगेटिव की वजह से जो पेयर आ रहा है वो अगर वो किसी और को दे दे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, हम कहेंगे वो क्लोरीन में आसानी से दे सकता है, ब्रोमीन में आसानी से दे सकता है, आयरन में आसानी से दे सकता है, किसको, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है वाया बैक बॉन्डिंग, समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे बच्चों, इन तीनों में बैक बॉन्डिंग हो सकती है और लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, बताना मुझे बच्चों, लेने की टेंडेंसी, डू यू रियलाइज, जो हमारा एक्सेप्टर एटम है उसको मतलब इट शुड हैव अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, या लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होती है, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? तो बेसिकली तुम्हारा ये सब ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा, और इसमें फ्लोरीन डज नॉट हैव डी, क्योंकि यहां पे अंडरस्टैंड करो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं क्लोरीन को या ब्रोमीन को या आयोडीन को, ये हम उनके डी में डाल दें, समझो आया नहीं आया बच्चों, क्योंकि CF3- में देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से कार्बन भी नेगेटिव हटानी एंड इट इज लीस्ट स्टेबल, समझो आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सो दैट इज व्हाई यू गॉट द ऑर्डर लाइक दिस, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, ये सबसे कम, समझे या नहीं समझे बच्चों? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे ख्याल से जेई में आ रखा है, ठीक है गाइस? तो इन एनी केस यू हैड टू लर्न दैम, ये जो तुम्हारे वो हैं ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला गाइस, ठीक है? सो नाउ लेट अस गो ऑन टू समथिंग न्यू, ये हमारा हो गया, वी आर डन विद बैक बॉन्ड, हमने CHX3 के अंदर बैक बॉन्डिंग देख ली, हमने NSI-SC3 के अंदर देख ली, हमने BX3 में देख ली, ठीक है? अब आते हैं कुछ और केसेस, NS3, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, NS3 BS3, इनमें तुम्हें पता है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन को देता है, हाँ है ना, आई नीड टू नो कि नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NNB, बताओ बच्चों, टेल मी द आंसर इन दिस बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर, बताओ गाइस, सर NKSP3, गुड, और बी की, सर उसकी भी SP3, वेरी नाइस, समझ आया नहीं आया गाइस बच्चों, किसी को कोई डाउट, बोलो भाई, बच्चे बोलेंगे, एनीवे आइडिया क्या है, दिस इज व्हाट यू हैव NH H
बी एच एच एच, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ है ना बच्चों? आयन में तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आयन में हम बेसिकली वो चार्ज को मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नॉर्मली इसमें पांच है, पांच की बजाय हम कहेंगे चार है और चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इट इज एसपी थ्री हाइब्रिड, हाँ है ना? एंड सिमिलरली यहाँ पे बोरोन का नेगेटिव आ गया तो अब इसका चार इलेक्ट्रॉन होगी, चारों की चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी थ्री। समझा नहीं समझे बच्चों? गुड, वेरी नाइस, आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। क्वेश्चन हमें दे रखा है एस आई एस सी एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आई नीड टू नो दिस पर्टिकुलर एंगल, व्हाट इज दिस एंगल गाइस? या ऐसे लेते हैं, व्हाट इज दिस एंगल, ये मत कह देना सीधा सर 180 है, एक बार मतलब इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, I just need the angle between N and SIS. ठीक है guys, what is this theta angle? नो बेटा, डिड यू सी बैक बॉन्डिंग बेटा? एस आई एस सी है? नो सर, नहीं देखा, नहीं देखा, अब देख के बताओ। रिलेट करना पड़ता है बच्चों, ओनली थिंग दैट यू हैव गॉट टू डू, यू हैव गॉट टू रिलेट, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी जब बैक बॉन्डिंग होगी तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, अब ये बंदा सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है गाइस? सो बेसिकली द हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी लीनियर स्ट्रक्चर, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अच्छा बच्चों एक चीज और, एक क्वेश्चन बी एफ थ्री एंड बी एफ फोर माइनस में, किसमें तुम्हारा बी एफ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? बोलो बच्चों, बच्चों बताओ, ये तुम्हारा अगेन उसके थ्रू जा रहा है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, अंडरस्टैंड करो, बी एफ सी में तुम्हारी बैक बॉन्डिंग होगी, बी एफ फोर माइनस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बी एफ फोर माइनस इज लाइक दिस, हाँ गुड, ये एफ माइनस है, इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर दिया, बोरॉन को, और यू कैन सिंपली से इट इज लाइक दिस, हम कहेंगे इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसमें हो रही है क्योंकि ये बंदा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया इसमें, इसमें इसके पूरे इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो हम कहेंगे इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, तो इसमें बॉन्ड लेंथ इज लेस या बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गुड, सम स्पेशल केसेस, PCl5 सॉलिड लिया, इसमें वो पूछेंगे कटायन में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अनायन में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सो यू नीड टू नो हाउ इट exists in the form of cation and anion in case of solid. It is PCl4 plus PCl6 minus. तो मुझे दोनों में हाइब्रिडाइजेशन बताओ फास्फोरस की, cation में anion में। बोलो गाइस। sp3। और दूसरे में? sp3d2। गुड, इसमें कटायन की
बृहस्पति गुड, इट एग्जिस्ट एज PF5 ओनली। तो इसमें हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी SP3B। अब आते हैं नेक्स्ट पे, I2Cl6, इट इज ICl2 प्लस प्लस ICl4 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन बताओ दोनों की। रेस्पी इसकी यस इट इज गोइंग टू बी एसपी रेस्पी थ्री। डी SP3 आनी चाहिए बेटा। हम कहेंगे दो सिग्मा बॉन्ड और छह में से दो गए तो तुम्हारे दो लोन पे है, तो यस सर वही SP3 आनी चाहिए। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? यस सर रेस्पी 3 है और इसकी बताओ। SP3D2 वेरी गुड। IF4+ प्लस IF6-। इन रियल हाइब्रिडाइजेशन बता। और ये तुम्हें पता होना चाहिए, कोई बताएगा नहीं तुम्हें गाइस कि कैसे ब्रेक कर रहा है। सीधा क्वेश्चन सिर पे आके गिर जाएगा। SP3D2 इसकी यस सर इसकी SP3 तो नहीं आनी चाहिए। SP3D2 हाँ SP3D करेक्ट। और ये SP3D2 फिर से देखो। AD3 वेरी गुड। SP3D3 NO2+ NO3- देखो। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बच्चों। N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O+। ये मैंने एग्जैक्टली मतलब हो सकता है लीनियर आया, हो सकता है लीनियर ना आए, मुझे पता है ये लीनियर आ रहा है, लेकिन पहले तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कि तुम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इजीली रिलेट करके बना सकते हो कि हाँ यार ये बनना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? तो टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन। NO3- विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले वाले केस में थ्री हाँ इस वाले की SP SP बोला है, SP2 बोला है, SP इट इज गोइंग टू बी SP। नेक्स्ट करो NO3-। बताओ बच्चों SP2 SP2। वेरी नाइस। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। दी आर वेरी शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। Al2Cl6 जो कि हमारा बेसिकली इट इज AlCl3 का डाइमर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? का डाइमर। तो हम कहेंगे इसकी शेप क्या होती है? हाँ इसने यहां पे कोऑर्डिनेट बनाया, इसने यहां पे कोऑर्डिनेट बनाया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट हैपन्स। तो पहले वो मुझे एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहां पे बच्चों। बोलो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? गुड, सर SP3 इट इज गोइंग टू बी SP3। एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो तुम्हें पता है कि इट इज गोइंग टू बी ऑफ दिस टाइप। इफ यू कैन विजुलाइज दैट, मेरे ख्याल से ट्राइंगल से समझ आ गया होगा। और इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आई मीन दीज रेड वंस आर इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर एंड सीएल आर गोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉनिटर। हाँ है ना? यस गुड। अच्छा बच्चों एक चीज और, ये किस टाइप का बॉन्ड है? तुम्हें पता है 2C2 ही, दो सेंटर के बीच में अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? दिस इज नथिंग बट सिंगल बॉन्ड। सर 2C2 ही क्या है? दो सेंटर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जैसे HCl में दो सेंटर हैं उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। अगर दो सेंटर के बीच में चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं क्या होगा? डबल बॉन्ड।
हाँ ना, सी डबल बॉन्ड ओ कर रहा हूं, दो सेंटर्स के बीच में चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, समझे नहीं समझे? सर। टू सी सिक्स इज ट्रिपल बॉन्ड, अब आते हैं सम वियर्ड केसेस, वियर्ड इन द सेंस तुम्हारा क्या, थ्री सी फोर ई, जो कि तुम यहां पे ऑब्जर्व करने वाले हो, ऐसी एक और केस आएगा थ्री सी टू ई। तो पहले आते हैं थ्री सी फोर ई में, डू यू रियलाइज ओवर हेयर गाइस, मेरा कलर ही नहीं और कोई, ग्रीन ऑलरेडी हो गया ना, ये व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज दिस, तीन सेंटर्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बच्चों, दो यहां पे दो यहां पे, हाँ या ना? यस सर। तो थ्री सेंटर्स के बीच में टू फोर इलेक्ट्रॉन आर बीइंग शेयर, तो दिस इज थ्री सी फोर ई बॉन्ड, समझे नहीं समझे बच्चों? क्लियर है गाइस? यस तो मुझे बताओ थ्री सी फोर ई बॉन्ड कितने हैं ए एल टू सी एल सिक्स में, बताना, तो दो हैं। और कितने टू सी टू ई बॉन्ड है, दीज आर टू सी टू ई, समझे नहीं समझे? यस गुड, ऐसे ही आते हैं हम दूसरा केस बी टू एच सिक्स, अभी हमने थ्री सी टू ई नहीं किया ना, अब वो करेंगे, हम कहेंगे इनका दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं बन सकता, यहाँ पे तो इस बंदे ने क्या करना है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है अपने यही शेयर करवा देगा, सिमिलरली यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वही ये इसके साथ भी शेयर करवा देगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कुछ फील आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, या एम आई गोइंग टू फास्ट, मैं कहां से शुरू किया था, मेरे को तो अपना ही नहीं दिख रहा, समझे नहीं समझे गाइस? बोला, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन थ्री एटम्स, हाँ है ना, सो यू हैव गॉट थ्री सी टू ई बॉन्ड, कितने थ्री सी टू ई है, दो थ्री सी टू ई बॉन्ड है और दो सॉरी चार टू सी टू ई बॉन्ड है, हाँ या ना बच्चों, बोलो, यस और इनको हम टू सी टू ई बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, टू सी है सॉरी थ्री सी टू ई को वी कॉल देम बनाना बॉन्ड, समझा नहीं समझे गाइस? दीज बॉन्ड्स थ्री सी टू ई आर नोन एज बनाना बॉन्ड, क्लियर और नॉट गाइस, हाँ है ना बच्चों? यस वेरी गुड, वेरी नाइस, वी आर डन विद दिस पार्ट टू, नाउ लेट अस सी व्हाट मोर डू यू हैव टू डू, ये तुम्हारा एक और केस बी सी एल टू है बच्चों, बी सी एल टू एट वेरी हाई टेम्परेचर इट एग्जिस्ट एज मोनोमर, मतलब जस्ट लाइक इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं, बी सी एल टू है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200, बंदा मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम की क्या पता है बच्चों, SP2 है ना, SP बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, हाँ है ना, यस टेम्परेचर लेस देन 1200, इसमें इट एग्जिस्ट एज डाइमर, डाइमर भी कैसा, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, डाइमर कैसे बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड चल रहा है गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये किस टाइप का बॉन्ड है बताओ मुझे, थ्री बोल फोर ई, वेरी गुड, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, अगर तुम विजुलाइज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये एक प्लेन में बेरिलियम भी एंड दीज आर गोइंग और द प्लेन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, क्लियर है गाइस? यहां पे बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है कोई बताएगा मुझे, बोलो अच्छा, रेसिपी एसपी टू, गुड वेरी नाइस,
एनी केस तुम ये कह सकते हो, वैसे इसको ये मैंने थोड़ा यहाँ पे एक गड़बड़ करी है. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ध्यान से देखो, दिस होल थिंग विल बी इन वन प्लेन. ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? बोलो गाइस, सब विजुलाइज करके देखो, होगा नहीं होगा. वैसे एक मिनट रुक जाओ, जस्ट इवन इवन लेट मी थिंक. क्योंकि ये तो बेंट है, ये बेंट है. इज देयर अ पॉसिबिलिटी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये तुम्हारा दो अलग उसमें होंगे? हाँ गाइस, यप, दे आर गोना बी इन अ सिंगल प्लेन. मतलब आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग जो कि तुम्हें इसे दो प्लेन में भेज दे, सिंगल प्लेन का है. और बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. फाइन गाइस, बच्चों, यही हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अब आते हैं थर्ड, BCl2 सॉलिड. इन दैट केस इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर. इन दैट केस इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर. कैसे? देखते हो, BCl, ये इधर बना रहा है, 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 ये इधर बना रहा है. अब मुझे बताओ बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पॉलीमराइज कर गया है, अब बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. इट इज गोइंग टू बी sp3. वेरी नाइस, दिस इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब तुम विजुलाइज ऐसे कर सकते हो, अगर ये एक प्लेन में है तो तुम्हारा आई गेस दीज टू मस्ट बी गोइंग आउट ऑफ द प्लेन. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये वाला बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों डिफरेंट प्लेन में. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ. गुड, दैट इज व्हाट यू विल हैव. एंड अगेन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस एंड विल गो ऑन. हाँ ना बच्चों, गुड, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. क्या चीज? बॉन्ड एंगल्स. ओके गाइस, नाउ विल डिस्कस बॉन्ड एंगल्स. तो लेट अस स्टार्ट. बॉन्ड एंगल में सबसे पहली चीज क्या होती है जो सबसे हायर प्रायोरिटी पे होता है तुम्हारा? क्या? हाइब्रिडाइजेशन. सबसे हाई प्रायोरिटी पे होता है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा होता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड लेंथ कहेंगे एक काम करो, रुको, आई वुड से लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पहले, और तीसरा हम कहेंगे क्या, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जिसे हम किससे रिलेट करते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं. दीज आर द थ्री गाइस, थ्री स्टेप्स टू कैलकुलेट बॉन्ड एंगल, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा. जैसे BF3 एंड NSC, इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? BF3 sp2 हाइब्रिडाइज, NSC sp3 हाइब्रिडाइज, तुम्हारा बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा? BF3. BF3. एक में 120 है, एक में तुम्हारा, अगर तुम परफेक्ट भी मान लेते हो तो भी 109 पे पहुंचेगा. हाँ है ना? तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा. फाइन गाइस, नेक्स्ट आते हैं, ये केस तुम समझ चुके हो, इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट. अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन सेम, बट योर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिफरेंट. बताओ बच्चों, इसमें हमें, हम यहां पे क्या लगाएंगे कि तुम्हारा किस में तुम्हारा लोन पेयर ज्यादा है? लोन पेयर अगर होंगे तो अंडरस्टैंड करो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर कम होगी, तो तुम्हारा बॉन्ड एंगल एक्चुअली डिक्रीज कर जाएगा. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस गुड, तो जस्ट टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू गेट यहां पर. NH3 का कम होगा. NSC का कम होगा, इसमें लोन पेयर है, तो बिजली बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल जो है वो कम हो गया.
ये रिपल्शन ज्यादा थी तो ये एंगल कम हो गया। समझ आ रहे नहीं आ रहा बच्चों? तो बिटवीन सी एच फोर एन एस थ्री एंड एच टू ओ दिस इज हाउ द बॉन्ड एंगल विल गो। लोन पेयर दो लोन पेयर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? नो सर। एच टू ओ एंड एस थ्री ओ प्लस करो बच्चों। इस बंदे में एक लोन पेयर, इस बंदे में दो लोन पेयर, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लोन पेयर जितनी ज्यादा होते उतना बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। हाँ है ना? यस गुड। जैसे NH4 प्लस एंड NH3 किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा बच्चों? NH4 प्लस। अब गाइस थर्ड चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम कहेंगे NH3 और PH3 किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन फास्फोरस NH3। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? नाइट्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल हो जाएंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो रिपल्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? yes. जबकि PH3 में That bond did electrons, they'll be lying in the middle somewhere. तो यहां पर repulsion relatively कम है, तो किसका bond angle ज्यादा? NH3 का। हाँ या ना बच्चों? Clear है नहीं guys? I think it should be clear to you now. एक और केस लेते हैं just to see के समझ में आया नहीं आया। BF3, sorry PF3 नहीं, मैं एक और केस लेता हूं। H2O and OF2 किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बच्चों? विजुलाइज करके देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में कि तुम्हारा किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए। OF2। हाँ देयर यू मेड अ मिस्टेक। फिर से सोचो सर। H2O में, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में लाया करिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में लाया करिए। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है टुवर्ड द सेंट्रल एटम उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा है या नहीं? यस गुड फाइन। एक स्पेशल केस, स्पेशल केस वैसे सही बताऊं ये मैं करवा रहा हूं बट आई डोंट थिंक यू नीड टू लर्न इट। इसमें हमें क्या कहना होता है बच्चों? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए? सोचो और बताओ। पीएससी में बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए राइट? तो गाइस इसमें क्या होता है, पीएफसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ इस तरफ लाई करनी चाहिए है ना, इसकी इधर लाई करनी चाहिए। पॉइंट क्या है, फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग शो कर देता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस इज क्लियर हुई या नहीं हुई? yes. बोलिए। वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि तुम्हारा पीएफसी में बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग के कारण बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से पीएफसी का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन पीएससी। हाँ है ना? स्पेशल केस मतलब इट स्पेशल में भी इट इज काइंड ऑफ स्पेशल ऐसे मान लीजिए। नेक्स्ट पी फोर गाइस स्ट्रक्चर नहीं पता तो यू आर सम डूब गए तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो टेल मी व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन पी फोर। सब पीपीपी है दैट मींस इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ है ना? यस गुड। तो व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल? 60 डिग्री भाई। yes. समझे नहीं समझे बच्चों? गुड वी आर डन विद बॉन्ड एंगल गाइस। बहुत बॉन्ड एंगल कर ली, कर गए ना, थक गए। ठीक है अब आते हैं, वी आर डन विद दिस पार्ट। आगे किस पे जाया जा सकता है? मुझे लग रहा था मैं आज एमओटी भी निपटा दूंगा, एमओटी तो मुझे निपटता हुआ दिख ही नहीं रहा।
इट्स प्रीटी ह्यूज। ठीक है, अब आते हैं गाइस बॉन्ड ऑर्डर पे, व्हेन कंपाउंड शो रेजोनेंस। रेजोनेंस में पता ही नहीं पता है गाइस, रेजोनेंस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस। हम कहेंगे जैसे लेट अस टेक द केस ऑफ CO3-2-, सबसे पहले किसका उठाते हैं, CO3-2- का। वी नो द स्ट्रक्चर, हाँ है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब गाइस सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है यू मेक ऑल द थ्री डायग्राम्स। हमें बताया इसमें तीन बन सकते हैं, अनदर वन विल बी लाइक दिस एंड अनदर वन विल बी लाइक दिस। अब तुम कोई भी एक उठा लो, ये लेट अस से फॉर सिंपलिसिटी से ये उठा लो, ये ये ये। हमारे पास एक में सिग्मा है, मतलब एक बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, दो में सिंगल हो गया, एक में डबल हो गया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड ऑर्डर गाइस, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2+1+1/3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट यू गेट इज द फॉर्मूला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, टोटल बॉन्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। लेट अस टेक अनदर केस, NO2-। बेस्ट तो यही रहता है गाइस के टोटल बॉन्ड बनाओ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड ऑर्डर बच्चों बताओ, इट इज गोइंग टू बी 2+1/2। टोटल बॉन्ड्स इन अ पर्टिकुलर एनओ लिंकेज, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उनके सबके बेसिस पे देखा, टोटल बॉन्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर थे जिनमें तुम्हारा एनओ के बीच में एक में सिंगल था एक में डबल था। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम, हाँ या ना? गुड, तो जरा मुझे NO3- को अगर तुम देखोगे, यू विल ऑलमोस्ट रियलाइज फील के हिसाब से इट इज जस्ट लाइक CO3-2-। क्या होगा बच्चों, एक बार डबल इधर, एक बार डबल इधर, एक बार डबल इधर। अगर तुम यहां पे देखोगे तो एक में डबल आएगा, दो में सिंगल आएगा, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2+1+1/3, हाँ है ना? यस सर। गुड, दैट्स नाइस। जब हमारे पास मोर देन डायटॉमिक है तो उस वक्त लगता है रेजोनेंस। डायटॉमिक तक अगर कोई पूछता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, वी कैलकुलेटेड वाया MOT। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, डायटॉमिक तक वी कैन यूज MOT टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक तुम्हारे पास है, देन व्हाट डू वी यूज, वी यूज रेजोनेंस। समझे नहीं समझे बच्चों? जैसे लेट अस इवन टॉक अबाउट दिस वन, O3, O डबल बॉन्ड O, O माइनस प्लस। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स, यू विल हैव अनदर स्ट्रक्चर जहां पे यहां पे डबल है और यहां पे सिंगल है और यहां पे नेगेटिव है। In any case, what is the bond order that you are going to get? 2+1/2, 1.5। मतलब सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसमें। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बिटवीन NO2- एंड NO3-, किसमें एनओ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? बोलो बेटा, एनओ की बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है? हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। NO2- में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था बच्चों? 3/2। NO2 में, हाँ 3/2, और NO3- में 4/3। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? NO2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे तो इसकी ज्यादा, NO3- में NO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। फेयर एनफ, एक और क्वेश्चन करते हैं, PO4-3-, P डबल बॉन्ड O-O-O-, क्या आएगा बच्चों बॉन्ड ऑर्डर PO का?
बताओ गाइस, वेरी नाइस। आई डोंट थिंक किसी बच्चे को इसमें डाउट है, हाँ है ना, होना तो नहीं चाहिए। राइट, अब बच्चों आते हैं किस पे। गाइस एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, बेटर फील आएगी तुम्हें, अच्छी फील आएगी काफी। CLO HClO4 में ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑफ जा रहे हैं, कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे बताओ गाइस, कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर। बताओ बच्चों, निकालो और बताओ। यू विल हैव टू मेक द स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर के बिना तुम कर नहीं सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें कितने बॉन्ड बनाने हैं गाइस, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सात। गुड, बिजली सारी अनपेयर कर देंगे हम। सिग्मा 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 सिग्मा, चार सिग्मा और तीन पाए, तो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? 3D5P5, गुड, दैट्स नाइस। ठीक है, अब बच्चों हम ये ऐसी मेरे दिमाग में आ गया, इसमें मैंने करवा दिया, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। ये तुम्हारा P ब्लॉक का है 12th का, N2O, N2O has got this structure. N2O, one second, it is going to be N triple bond N. This is what you have. This is your N2O, बच्चा। तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर तुम्हारा एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है बच्चों? Something of this type. One second. This structure, बच्चों, हाँ है ना? Yes sir. These two structures are possible. तो well, that's nice. अब मुझे बताओ what will be the bond order of NN bond? बताओ मुझे. 5/2. 5/2. NO का? 3/2. 3/2. Very good. बच्चों ये बताओ तुम्हें परसेंटेज एस पी डी कैरेक्टर निकालना आता है? कुछ याद आ रहा है? करा दूँ. एस पी डी कैरेक्टर आइडिया क्या है? जैसे सपोज तुम्हारी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आई, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 1/4 इज एस, हाँ है ना? तो एस इज 25%. sp2 इसमें क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी एस कैरेक्टर 1/3, हाँ है ना, इज एस। आउट ऑफ टोटल 3 1s एंड 2p वी हैव गॉट 1s, तो हमारा 33%। sp में एस कैरेक्टर कितना होगा बच्चों? Is going to be 50%. और तुम्हें याद होगा ये हमने पढ़ा है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी तो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड में पुल करने की टेंडेंसी काफी होती है, हाँ है ना? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड इट एक्सपीरियंसेस मोर पुल ऑफ द न्यूक्लियस। समझ आ रहे नहीं आ रहे? मोर एस कैरेक्टर क्लोजर टू न्यूक्लियस इंप्लाइज क्लोजर टू न्यूक्लियस या एक्सपीरियंसेस मोर पुल ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Hence, तुम्हारा हम क्या कहते हैं, इट इज मोर, जितना एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती आती है। समझ गए? तो मुझे बताओ एस एफ सिक्स में व्हाट इज द परसेंटेज डी कैरेक्टर? बताओ गाइस, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी फिर परसेंटेज डी कैरेक्टर निकालना पड़ेगा। करो बच्चों,
बच्चे भी कहेंगे सर। 33%। वेरी गुड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, तो टोटल सिक्स में से दो डी है, तो 2/6 × 100 दैट इज 33%। वेरी गुड इंडीड, इट कम्स आउट इक्वल टू 33%। ठीक है गाइस, वी आर डन विद दिस पार्ट। एक स्पेशल केस एनसीईआरटी में दे रखा है, इवन NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होती है? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, इवन लोन पेयर कंट्रीब्यूट टू डायपोल मोमेंट। हमारी फील क्या होती है यार, फ्लोरीन ज्यादा पुल कर रहा है तो डायपोल मोमेंट NF3 में ज्यादा होनी चाहिए, बट नो, आइडिया इज लोन पेयर का भी हम काउंट कर रहे होते हैं। यहां पे ये है, अब हमें बताया पॉजिटिव टू नेगेटिव इज द डायपोल मोमेंट, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? तो आइडिया क्या है, नेट बढ़ गया यहाँ पे, यहां पे ये इधर है, ये तीन इधर है, तो यहां पे म्यू इज लेस, एनएससी में डायपोल मोमेंट दे आर एक्चुअली एडिंग अप, एनएससी में दे आर गेटिंग काइंड ऑफ कैंसल, नॉट एग्जैक्टली प्रॉपरली कैंसल, बट दे आर गेटिंग काइंड ऑफ कैंसल, हाँ या ना बच्चों? वेरी नाइस, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर केस। बच्चों एलीन याद है तुम्हें? गाइस एलीन याद है? थोड़े बहुत पढ़े थे बच्चे, कहेंगे सर कहाँ एलीन्स पे आगे घुस गए आप? ध्यान दो, एलीन्स में एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये एलीन्स भी, ये देखो मैं क्वेश्चन ही देता हूं सीधा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है बच्चों? इसमें मुझे एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। एक बार तो सिर घूम जाता है कि क्या कहना चाह रहा है, बताओ गाइस क्वेश्चन समझ आया? हमें दिख रहा है तीन पाए बॉन्ड, हमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर प्लेन, इतना तुम्हें ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? मैंने तुम्हें बताया भी था कि अगर तुम ये लेते हो तो इसमें जो तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है दैट इज लाइंग इन लाइक दिस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस, अगर ये दो एच आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर देन दीज टू एच आर गोइंग आउट द प्लेन ऑफ मॉनिटर, हाँ है ना? यस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वन, एक चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है कि दे विल बी लाइंग इन अ सिंगल प्लेन, मतलब दिस प्लेन मस्ट बी द, दिस प्लेन ऑफ द मॉनिटर मस्ट बी द मॉलिक्यूलर प्लेन, हाँ है ना? यस। वेरी नाइस, अब मैं पूछ रहा हूं इसमें कितने पाए बॉन्ड्स आर लाइंग इन द अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। गाइस एक चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, अगर ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है तो इसका जो पाई होगा इट विल बी लाइक दिस, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन, सिमिलरली इसका जो होगा पाई बॉन्ड देयर विल लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन, हाँ है ना? और ये जो पाई है ये ऐसे बन रहा होगा, हाँ या ना? बताओ फील आ रही है नहीं आ रही है? बच्चे ने सर बाउंस कर गया सिर के ऊपर से, बताओ बाउंस कर गया क्या सर? बीच सो फील से आओ, अगर तुम्हारा ये लेट अस से दिस टू बी द पी जेड एंड दिस टू बी द वाई देन दिस इज गोइंग टू बी एक्स, पी जेड को मैं क्या मान के चल रहा हूं, मतलब पी जेड तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब आइडिया इज ऐसे समझो कि अगर हमारा ये y है ये x है तो ये z है। अब थोड़ा विजुलाइज करके देखो, y इज योर रेड, दैट ग्रीन जो मैंने साइड में बनाया ये वाला साइड में, दिस इज योर x, और ये जो हमारा है ये लाइन ये हमारी z के अलोंग है,
विजुलाइज करके देखो. यस. तो तुम्हारे कितने पाई बॉन्ड्स आर लाइंग अवे एंड बिलो द मॉलिक्यूल प्लेन. मॉलिक्यूल का प्लेन तो ग्रीन वाला हो गया ना. कितने तुम्हारे पाई बॉन्ड आर लाइंग अवे एंड बिलो द मॉलिक्यूल प्लेन. टू. एंड इन द मॉलिक्यूलर प्लेन वन. हाँ ना. वेरी नाइस. बच्चे से जान ले लिया आपने इसमें. नेक्स्ट पे आते गए सम फैक्ट्स टू लर्न. ओके. टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. बच्चों एक मिनट रुक जाओ. हाँ तो टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. बच्चों गाइस देखो हमारे फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सेपरेट. फोर्सेस में ज्यादातर हम मान के चल रहे होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल फोर्सेस में तुम्हें पता है डायपोल डायपोल होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं. तो लेट मी जस्ट राइट डाउन हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. वही सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी तुम बहुत बार कर चुके. तो बच्चों देखो डायपोल डायपोल इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है. जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं जैसे विच एग्जिस्ट बिटवीन HCl वगैरह HCl HCl HI इनमें फोर्सेस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. ये तब होता है बच्चों व्हेन यू हैव गॉट स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल. इसका मतलब है दिस इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इन सॉलिड स्टेशनरी है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस. अगर तुम डायपोल डायपोल के बीच में फोर्स देख रहे हो मतलब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में फोर्स देख रहे हो बट नॉट इन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल रेदर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल. अगर तुम इसमें देखना चाहोगे तो इट विल बी 1/r^6. क्लियर है बच्चों. कोई डाउट यहां तक गाइस. अब आते हैं तुम्हारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पे. इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर रिलेटिवली वीकर देन डायपोल डायपोल. इसमें फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r^6. ठीक है गाइस. ओके नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारा लंदन फोर्सेस. दे आर स्टिल वीकर गाइस. लेकिन अगर तुम डिपेंडेंस टाइप देखना चाहो तो उसको हम वही लिखते हैं 1/r^6. बट दे आर वीकर इन जनरल देन योर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल. ठीक है बच्चों. अब गाइस नेक्स्ट थिंग तुम्हारा आयनिक बॉन्ड. आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन. आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन जैसे NaNCl. इनमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तुम्हें याद होगा ये हमने करा भी हुआ है. हाँ है ना बच्चों. जब हम हाइड्रेशन की बात कर रहे होते हैं या लेट अस से लैटिस की बात कर रहे होते हैं. लैटिस की बात करो. लैटिस एनर्जी हम क्या कहते हैं. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. हाँ है ना. यही आर की तो बात कर रहे हैं. क्लियर और नॉट गाइस. गुड. अब आते हैं कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड में इन जनरल कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयन आयन बट स्ट्रॉन्गर देन अदर्स. ठीक है बच्चों. क्लियर है गाइस यहां तक. बोलो. गुड. अब बच्चों कुछ और केसेस भी हैं उनको तो हमें करने की जरूरत नहीं. क्या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तो हमने कर लिया है. देयर इज अनदर नोन एज आयन इंड्यूस्ड डायपोल. बेसिकली आयन का इंटरेक्शन विद इंड्यूस्ड डायपोल. जैसे आयन हो गया तुम्हारा Cl माइनस और इंड्यूस्ड डायपोल किसमें होगा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इस टाइप के भी इंटरेक्शन है बट वी नीड नॉट डिस्कस देम. जो मैंने अभी बताया दीज आर इंपॉर्टेंट. ये सारे के सारे याद कर लो. दैट्स इट. नो मोर हैज टू बी डन. ठीक है गाइस. अब बचा हमारा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा होता है इसको हम फोर्सेज में काउंट ही नहीं करते. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज. दैट इज वाई वी यूज द नेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉन्ड की तरह उसे ट्रीट करते हैं.
तुम्हें ये पता है कि इनके बीच में एग्जिस्ट करता है एच एफ एच एन या एच ओ, हाँ है ना गाइस? Yes. तो तुम्हें ये भी पता है, एक्चुअली हमने इतना डिटेल में करा हुआ है ना ऑर्गेनिक में, आई डोंट थिंक दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। एनओ टू ओ एच, इसमें क्या होगा बच्चों? इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, किसमें इंटर होगा किसमें इंट्रा होगा फटाफट बताओ। लेफ्ट वाले में इंट्रा होगा, राइट वाले में इंटर होगा। स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? स्टीम वोलेटाइल का मतलब है लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, गुड ओके। एक चीज और करें डिस्कस, एक और केस ले लेते हैं। एक हमें ये दे रखा है, एक हमें ये दे रखा है, बताओ किस में इंटर होगा किस में इंट्रा होगा? बोलो गाइस, बताओ मुझे। बच्चों राइट वाले में इंटर। अंडरस्टैंड करो, इस OH को ऐसे लिखो, समझ में आया नहीं आया, पीला ही नहीं आई, क्लियर है यहां तक? यस, गुड। इसमें इंटर होगा, इसमें इंट्रा होगा, ओके दैट्स नाइस। हमें बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तुम्हारे बेसिकली इंट्रा मॉलिक्यूल से क्या होगा, इंट्रा से मैं बताया था इन जनरल, इंट्रा से तुम्हारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, या बॉइलिंग पॉइंट पे टू बी स्पेसिफिक, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा? बताओ, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? उसके बाद बॉन्ड ही नहीं बनाना चाह रहा वो बंदा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बॉन्ड नहीं बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो अपने आप में मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना दिया, दूसरे के साथ बना ही नहीं रहा, समझ आया नहीं आया? क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट कम, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, विस्कोसिटी कम, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम, उसके आप बॉन्ड नहीं बना रहा, समझे या नहीं समझे बेटा? क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। वेरी नाइस। और थोड़ा बहुत और करते हैं, ये हमारा हो गया। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट गाइस, कुछ तो तुम्हारा एनसीईआरटी से रटने का है, पी ब्लॉक का, उसको मैं फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर रहा हूं, we don't need to go into that। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, OH OH क्या इसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगी? बताओ बच्चों। पहले वाले में नहीं होगी, दूसरे वाले में होगी, और yes, तीसरे वाले में क्वेश्चन कराया हुआ है ना मैंने शायद? yes, sir, कराया। तीसरे वाले में इसमें भी होगी, जीरो होगी इसमें, सिमेट्रिक है। सही है सर, ठीक ना? तो म्यू किसमें जीरो होगा? इसमें जीरो होगा, इसमें जीरो होगा, इसमें नॉन जीरो होगा। ठीक है बच्चों, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एमओटी। ओके गाइस।